तो बेसिकली यहाँ पे अभी हमने खाया था और उसके जस्ट सामने ये है अभी जो प्रॉपर्टी जिसमें हमने चेक इन करा था। जो हम इससे पहले बीच पे गए थे कोला बीच पर, तो वहाँ पे काफी ऑफ रोड था, बट इस वाले बीच में हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज्यादा ऑफ रोड होगा। यहाँ बेसिकली एक की सफारी जीप आपने देखी तो ये भी चलती है, तो यहाँ पे तो स्कूटी जो है वो सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद हम फाइनली पहुंचे जो वहाँ की मेन और लास्ट पार्किंग थी। तो फाइनली बीच भी हम पहुंच ही चुके थे और जो फर्स्ट इम्प्रेशन था हेलो गाइस, फिर से एक दिन और कल की पार्टी तक आपने देखा होगा और जो हमने शूट करा था, और उसके बाद यार इतना इंटरेस्टिंग तो वहाँ पे था नहीं। बेसिकली मतलब वेस्ट ऑफ मनी ही था ना, 600 रुपीज़। बाकी बहुत सारी चीज़ें सब एक्सपेंसिव थी। तो खैर ये था कल का स्टेटस। बाकी आज जो है हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं दोनों, और आज हम ना जर्मन बेकरी गए हैं ना कहीं भी गए। हमारा जो जिसमें हमने स्विच करा था होटल में पालोलम रिजॉर्ट में, उसके सामने ही एक छोटा सा कैफ़े है, और यहाँ पे साउथ इंडियन मतलब डोसा वगैरह काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है, जो कि बहुत टाइम से हम भूल ही रहे थे। तो वही अब ट्राई करने वाले हैं। हमने मंगाई इडली फ्राइड और बहुत ही रीजनेबल है, यहाँ पर टेस्ट का पता चलेगा, बट साउथ इंडियन तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हमने खाया था और उसके जस्ट सामने ये है अभी जो प्रॉपर्टी जिसमें हमने चेक इन करा था। तो एंटर करते ही लेफ्ट में, सॉरी राइट में, इधर कैसे है, इधर छोटा सा एक गार्डन है, बाकी इधर तो काफ़ी बड़ा है। ये आपका इधर सारा एक कैफे है। रूम टूर तो हमने आपको पहले दे ही दिया था। इधर से भी एक बेसिक रास्ता है, ये इनका किचन वगैरह है, इधर बुक्स वगैरह, यहाँ भी कॉमन एरिया, बैठ सकते हो, नोट कर सकते हो। और ये ऊपर सारे इसमें भी रूम्स वगैरह ही हैं। यहाँ से आपका कैफ़े का एक्सेस हो जाता है। बाकी वो जो येलो बिल्डिंग है वो भी नहीं किया, उसमें भी रूम्स है सब। तो काफ़ी सही है यार, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी तो है रहने के लिए, और अफोर्डेबल भी है, ऑन रोड भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आवाज़ मेरी नहीं आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई थी साउंड का। तो बेसिकली हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ अभी लंच करने के बाद थोड़ा लेट हो गए थे, और फिलहाल हम निकल रहे हैं बटरफ्लाई बीच के लिए। तो इन्जॉय करते हैं आगे का रास्ता और पहुँचते हैं जल्दी से बटरफ्लाई बीच। तो बेसिकली क्लिप देखने के बाद मुझे पता लगा कि पहले वाला जो ऑडियो था वो ख़राब था, और इसके बाद का सारा जो मेरे ओजमो का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी उसमें ऑडियो सारा ही ख़राब आया है। इस रास्ते में हमने काफ़ी कुछ बोला था, बताया था रास्ते के बारे में, और बेसिकली हम ये बता रहे थे कि जो हम इससे पहले बीच पे गए थे कोला बीच पर, तो वहाँ पे काफ़ी ऑफ रोड था, बट इस वाले बीच में हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा ऑफ रोड होगा। जैसे कि आपको धीरे धीरे आगे और देख के पता ही चल जाएगा कि काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की भी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और यहाँ भी कोई भी लाइट वगैरह नहीं थी, तो वो सब भी हमारे दिमाग में चल रहा था कि रात को मतलब लेट नहीं करना है यहाँ से, जल्दी ही जितना जल्दी डे लाइट पॉसिबल हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से निकलना है। यही सारी चीज़ें चल रही थी। बेसिकली हम पहुँचने वाले थे अंदर जाके, एक कैफ़े पड़ा था पहले बाहर, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पर एक पार्किंग के लिए कुछ लोग आगे खड़े हुए थे। तो और आगे स्कूटी ले जाने के लिए हमें टिकट लेना था, अगर यहीं पे बात करना था तो फ्री था। तो उन्होंने बताया काफ़ी ख़राब है आगे भी और काफ़ी लंबा है, तो वही मैं अभी कैमरे में बता रहा हूँ कि हमने डिसाइड करा कि हम और आगे ही इसको लेकर जाएंगे स्कूटी को। और बिकॉज़ बाई वॉक वो बता रहे थे यहाँ से भी जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 30 मिनट्स, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि लेकर ही चलते हैं, और फिर यहाँ से हम अपना स्कूटी लेके वापस निकल गए आगे रास्ते पर। यहाँ बेसिकली एक की सफारी जीप आपने देखी तो ये भी चलती है, बट इस ये क्योंकि सिर्फ एक ही जीप है और ऑलमोस्ट एक जीप एक बार में इसमें 6 से 7 लोग ही आ पाते हैं, तो और इसका टिकट वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे तो स्कूटी जो है वो सबसे बेस्ट है, और ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे होंगे भी कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ का पार्क
ऑलमोस्ट ये हिली है और काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, काफ़ी ज़्यादा पत्थर है यहाँ पे, तो आपको केयरफुल रह के तो ये चलाना ही होगा, एक ही चीज़ तो है, और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहना होगा, बट हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ से फिर हम आगे चलते चले गए, और ये जैसे जैसे हम पाथ क्रॉस कर रहे थे और लोगों को वापस आते हुए देख रहे थे, उनकी शक्ल थकी हुई शक्ल परेशान जो थे, तो हमें और ज़्यादा ये सही मतलब अपना डिसीजन बहुत बेस्ट लगा कि यार स्कूटी हमने यहाँ तक आगे तक के लिए टिकट ली। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोगों को भी लास्ट तक के लिए टिकट ले ही लेनी चाहिए। अब हालांकि ये पता नहीं कि हालांकि जाते वक्त जो थे वो लोग वहाँ नहीं मिले थे, तो वी आर नॉट श्योर कि ये एक ऑथराइज पार्किंग भी है या नहीं जिसके लिए चार्ज कर रहे हैं, या फिर लोकल लाइट जो है वो बस चार्ज कर ही रहे हैं ऐसे ही कुछ भी टिकट्स प्रिंट करके, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट अब उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसके बाद हम फाइनली पहुंचे जो वहाँ की मेन और लास्ट पार्किंग थी, और उसके आगे से भी थोड़ा सा चल के जाना था, वो भी सीधे बीच तक नहीं थी, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जैसे कि हमने पार्क करा, और यहाँ तो बस हम यही खुश हो रहे थे बाकी लोगों को आते हुए देख के बार बार, बिकॉज वो वीडियो में बहुत शॉर्ट हो जाता है, बट लोगों की हालत ख़राब हुई थी वापस आने में, तो ये बहुत बेस्ट डिसीजन है, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबको वो टिकट ज़रूर ले लेना चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी नहीं तो चलने में ही एग्जॉस्ट हो जाएगी, वहाँ तो आप क्या ही इन्जॉय कर पाओगे। फिर हम निकले बीच के लिए, और सरप्राइजिंगली जो बीच का रास्ता था, मैं वही आपको इस वक्त बता रहा हूँ, वो भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि उससे पहले इतना डेंस जो था फॉरेस्ट था, बिकॉज इससे पहले हमने जो भी मुंबई वगैरह में बीचेस देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपन और इतना वहाँ पे नहीं रहता, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था प्रॉपर कि हम कोई हिमाचल का ट्रैक कर रहे हैं, और यही बात मैं अभी इस वक्त बोल भी रहा हूँ, यही था लास्ट में कि एटलीस्ट बीच जो है वो कुछ डिफरेंट और अच्छा निकलना चाहिए, तो सब वर्थ इट होगा। तो फाइनली बीच भी हम पहुँच ही चुके थे, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो तो काफ़ी अच्छा था, और ऑनेस्टली मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में ऐसा फील आया कि जैसे ऋषिकेश का कोई बीच है ये, बिकॉज माउंटेन से सराउंडेड था ये, माउंटेन्स बोल सकते हैं, हिल्स बोल सकते हैं। तो जा रही है पूजा भी, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे थोड़ा सा कचरा वगैरह ज़्यादा था, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा कॉमर्शियल लग रहा था, जैसे कि कैंस वगैरह लोगों ने ऐसे ही डाल रखी थी, और फिर रैपर्स जो हैं चिप्स वगैरह के रैपर्स पड़े हुए थे काफ़ी, तो एक वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट डेफिनेटली इसकी जो ये शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको बटरफ्लाई बीच नाम दे रखा है। और बाकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बोट्स वगैरह भी चलती हैं, और आगे कुछ स्पॉट्स हैं वो आपको दिखा के लेकर आती हैं, बट वहाँ हम लोग नहीं गए, तो ये पूरा व्यू था इस बीच का। यहाँ हम ऑलरेडी काफ़ी लेट ही आए थे, सनसेट भी ऑलमोस्ट होने ही वाला था, तो हमने जल्दी जल्दी से फ़ोटोज़ क्लिक करें यहाँ पे, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, थोड़ा सा हमने चिल आउट करा, और फिर हम यहाँ से जल्दी ही निकल गए। सो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये अभी तक का मेरा लीस्ट फेवरेट बीच रहा है। उसके पीछे का रीज़न एक तो क्राउड ज़्यादा, और बेसिकली जो यहाँ पे गंदगी हो रही थी वो। तब हो आए हैं हम बटरफ्लाई बीच। एक जो बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है ब्लॉग्स या इंटरनेट में मिसिंग है, वो ये है कि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा एसेसिबल नहीं है। अगर आप फोर व्हीलर में आ रहे हो तो बहुत दूर पर आपको पार्किंग मिलेगी, और उसके बाद भी 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो काइंड ऑफ ट्रैकिंग है। अगर छोटा बच्चा वगैरह साथ में है आपके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, या कोई एजेड आपके साथ है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके साथ है जो ये सोच के जा रहा है कि हम तो बीच में जा रहे हैं और वहाँ पे मस्ती करेंगे, तो रास्ता इतना एसेसिबल नहीं है। और हम भी यही सोच रहे थे कि अगर हमारे पास व्हीकल नहीं होता तो कितनी मुश्किल हो जाती, मतलब टू व्हीलर का ऑप्शन बेस्ट है आपके। तो यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप टू व्हीलर में आए, ताकि आप बीच के बहुत पास 100-150 मीटर तक जाती है, और एक ऑप्शन आपको जरूर मिलता है कि का एक ऑफ रोड जीप रहती है, बट
उसमें ये है कि यार एक ही जीप है वो लाती है पहुंचाती है और कितनी फ्रिक्वेंटली आपको मिल पाती है, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है और पता नहीं हर टाइम रहती भी है अवेलेबल की नहीं रहती है सारी चीज़ें। तो आप जब भी बटरफ्लाई बीच आएँ ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली प्लान। तो फाइनली आ चुके हैं मेन रोड की तरफ और हो गया है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो GoPro के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि लो लाइट में बिल्कुल फेल हो जाता है, कोई बात नहीं उसके लिए हमने मोबाइल में इन्वेस्ट कर रखा है। यार यहाँ ये इतने, तुम चलाती रहो आराम से देख के बाहर, यार ये इतने बैट्स इधर उड़ रहे हैं रात में, मतलब अभी तो मैंने मिस कर दिए बट ये देखो पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। तो अब जाते वक्त स्कूटी का मोर्चा पूजा ने संभाल रखा है और दूसरी चीज़ यहाँ पे पड़ती है गाय जो हमने कल भी दिखाई थी आपको, तो इसे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि इधर कोई घंटा है पता नहीं रहता कुछ। और ना डॉग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये गाय जो है ना ये इतनी डंग होती है इन्हें कुछ पता नहीं चलता कहाँ मुड़ना है हॉर्न है क्या है कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही चलती रहती है गाय भैंस। तो पूजा और हम कुछ घर वापस जाने के लिए अभी से सुविनियर्स ले रहे हैं और ये एक शॉप है काफ़ी अच्छी। बाकी दूसरा जो रास्ता है पालोलम का वो मेन जो मार्केट है वो ये है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो नहीं है, आपको एक बार दिखाएंगे सब सारा। तो इधर से यहाँ से एंट्री कल रात में हम आए थे जब लेट थोड़ा हो गए थे, सब रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर मोस्टली 11 बजे तक क्लोज हो जाते हैं 11-12 बजे। बस एक यहाँ एंटर करते ही कॉर्नर पे राइट में एक रेस्टोरेंट है जो कि 2-3 बजे तक ओपन रहता है, सो एक ये सारी चीज़ है। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है कंपेरेटिवली टू जिस साइड पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ से, तो देखते हैं एक बार एक्सप्लोर करते हैं इधर अभी थोड़ा फ्री थे। अभी बीच की तरफ चलना है फिर किधर चलना है, है? नहीं पीछे भी है ना, पीछे भी है ना, पीछे तो नहीं चलना, नहीं नहीं पीछे जो मार्केट थी वो पीछे वहाँ ज़्यादा सस्ता लगाएगा क्या, बीच की तरफ से है ना, हो सकता है। बट ये कि अभी हमें पहले करना क्या है, बीच घूम के आता है चलो थोड़ा सा और वो मिसाल गए नहीं वो देखो कहाँ है, आओ चलो फिर इधर बीच। तो इस तरीके की शॉप्स हैं, कुछ आ रहा है पसंद, कुछ आ रहा है पसंद, क्या वड़ा पाव का प्लान हो गया कैंसिल बिकॉज वहाँ पे देखने में इतना फ्रेश फील हो नहीं रहा था वो, तो हमने छोड़ दिया फिर। बाकी तो यार इस तरीके की शॉप है, थोड़ा कन्फेक्शनरी की है, ये इधर सारी पार्किंग है। जो रात के 3-3:30 बजे तक खुला होता है उसकी किचन, अदरवाइज सारे जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो 11 बजे तक ही खुले होते हैं, तो अगर कोई हमारे जैसे भटक गया और रात में उन्हें भूख लग गई हो तो वो यहाँ बाइकिंग करने में तो ऐसे समुद्र में मजा आता है ना, वो नहीं मिलता ट्रैफिक नहीं मिलता तो बहुत देर तक, लेकिन बात ये की वहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा था, सपोर्ट भी क्या मतलब जब साइड से सपोर्ट टर्न करने के लिए या फिर क्योंकि गहरा नहीं था तो बहुत इजीली क्या बोलते डर नहीं लग रहा था। जो कैफे जो हम बता रहे थे कैवर सिल्वर स्टार ये रात तक अपना खुला रहता है, इसका काफ़ी टेस्टी था फूड।
बेसिकली यहाँ पे अभी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, बट इधर का काफ़ी आप देख सकते हो बहुत डल है। मतलब वहाँ पे जितना अब यहाँ से आप आगे जाओगे ना, यहाँ से जितना लिट अप हो रहा है और जितना आगे सब बैठे हुए हैं, क्राउड भी है, इधर बहुत ज़्यादा सुनसान सा लग रहा है। काफ़ी यूनिक लगा मुझे, छोटा सा मिनी चर्च बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है यहाँ। बाकी तो इधर चर्च देखने का कोई मौका मिल ही नहीं पाया। तो बेसिकली अब यहाँ से थोड़ी जो वाइब है वो चीयरफुल बोल सकते हैं ना, यहाँ से थोड़ा चीयरफुल होगी, वो आपको डिफरेंस भी फील होता होगा। और हालांकि कोई कहीं भी इतनी ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। मार्केट तो बहुत प्रिटी है, जो मेन साइड वाला जहाँ से अभी हम निकले हैं। और ये था वो सरोवर फोर्टी का जहाँ पे हमें फ्रॉड करने की कोशिश की। तो यहाँ रॉयल क्लब इंटरनेशनल का कोई भी इवेंट हो तो आप ना आए। सॉरी, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज हैं, थोड़ा इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बीच भी यहाँ से भी बहुत क्लोज बाय है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद प्रॉपर्टी के रेट्स कम होंगे, अफोर्डेबल होंगे, किचन वगैरह कैफे है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल खाना मिलेगा। बारिश हो गई क्या? तो बेसिकली वी चेकड इन अर्ली इन द पार्टी एंड दिस इज द एम्बियंस राइट नाउ। हम लोगों ने पूल टेबल बुक कर लिए एक घंटे के लिए, और पूजा को मैं सारे रूल्स वगैरह सिखा रहा हूँ। अभी इसने कर दिया फॉल, और इसके यहाँ स्ट्राइप्स मेरी सॉलिड है, तो इसने कर दिया फॉल, अब मुझे दो चांसेस मिलेंगे। अभी पूजा की है स्ट्राइप्स। तुम किस एम क्या कर रही हो? इफ शी कुड बट यू हैव ट्राइड। आई होप ये ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इनको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास हमारे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। बिकॉज हम इतने फ्रीक्वेंट व्लॉग नहीं डालते हैं, बट ये है जब भी टाइम मिल पाता है डेली लाइफ से अलग, तो तब हम व्लॉग्स डालते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अपना ऑथेंटिक साइड है हम वही दिखाएं, जो बस चल रहा है सिर्फ मार्केट करने को, पब्लिसाइज करने को, या सेंसेशनल करने के लिए ही चीज़ें ना दिखाई जाएँ, हर चलती हुई चीज़ को कॉपी ना करा जाए। तो काफ़ी हो गई बात, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।